हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल बीटेक राजा में। आइए, हम लोग आज सीखेंगे कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस को घर बैठे ही। दोस्तों, हम लोग पहले गूगल पे जाके सारथी को क्लिक करते हैं। सारथी टाइप करने के बाद वाहन एंड सारथी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, एजेंट कितने पैसे लेते हैं हमसे, डबल ट्रिपल पैसे हम लोग से ले लेते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई खुद से मोबाइल से या अपने लैपटॉप से घर बैठे ही कर ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ ये साइट खुल गई, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। यहाँ पे हम अपना स्टेट चूज करेंगे। यहाँ पे जितने स्टेट्स यहाँ पे शो कर रहा है, आप सारे स्टेट को अपना स्टेट चूज कर सकते हैं। जैसे मेरा स्टेट बिहार है, तो मैंने बिहार सेलेक्ट किया है। दोस्तों, आगे मैं हम लोग जानते हैं सारा एप्लीकेशन कैसे भरा जाता है। पहला तो हमें लर्निंग लाइसेंस बनाना होगा। ये आगे साइट में ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इस ऑप्शन पे देखिए दोस्तों, क्या क्या हमें मिल रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन है। अप्लाई ऑनलाइन में न्यू लर्नर्स लाइसेंस है, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस है, इशूज ऑफ, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप खुद वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कैसे अपलोड डॉक्यूमेंट किया जाता है और कैसे ये एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर और भी बहुत सारे चीज़। अपॉइंटमेंट स्लॉट ऑप्शन में आप फाइनल सबमिट के बाद यहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, किस डेट में आपको टेस्टिंग के लिए जाना है। लाइसेंस का प्रिंट आप यहाँ से कभी भी ले सकते हैं, प्रिंट द लर्नर लाइसेंस। दोस्तों, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आपको किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एलएल टेस्ट स्टॉल है, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट स्टॉल है, ऑनलाइन ऑलएल स्टॉल है। चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए। यहाँ पे हमें स्टेट्स है, स्टेट्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ स्टेट है, जैसा कि मेरा स्टेट बिहार है, मैंने बिहार सेलेक्ट किया। और इसके बाद मैंने लर्नर लाइसेंस को सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे एक लर्निंग लाइसेंस बनाने हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपने पास रखिए और इसे फॉरवर्ड कीजिए। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं क्या इसमें। ये पूरा एक एप्लीकेशन आएगा जिसमें आपको सारे अपने बायोडाटा को फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको मालूम करना है, उसको बताना है कि आप एक नए लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड द ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस बिफोर, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है सिंपली, और किसी ऑप्शन को टाइप नहीं करना है। इस सबमिट ऑप्शन के क्लिक करने के बाद आगे का जो नेक्स्ट पेज है, इसमें आपको फिलअप करना होगा सारी आपकी डिटेल्स। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द लर्नर लाइसेंस का पेज है। इसमें स्टेट, जैसा कि मेरा स्टेट बिहार है, आरटीओ ऑफिस किस डिस्ट्रिक्ट में है आप, तो मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, मैंने पटना को सेलेक्ट करना है। ये पटना BR01 मैंने सेलेक्ट किया है। पिन कोड भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स, रिलेशन, फुल नेम एज पर रिकॉर्ड्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, फ़ोन नंबर, कंट्री ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों यहाँ पे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप है क्या। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे किसी भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से आप जान सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारे यहाँ प्रेजेंट ऑप्शन, प्रेजेंट एड्रेस है, एक परमानेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस है आपका सेम है, तो यहाँ कॉपी टू द परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे सिटी ब्लॉक सेलेक्ट करना है दोस्तों, विलेज, टाउन, एड्रेस। इसके बाद आइए आपको क्लास ऑफ व्हीकल सेलेक्ट, जैसे मुझे टू व्हीलर की विद गियर वाली लर्निंग लाइसेंस चाहिए तो मैं उसे ही सेलेक्ट करता हूँ। और बहुत सारी ऑप्शन है इसमें, खुद ही देख सकते हैं। मैंने मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट को फॉरवर्ड किया सेलेक्ट कवरेज, और उसके बाद ये सारे ऑप्शंस को टिक, अगर आप ड्राइविंग स्कूल से सीखे हैं तो आप टिक कर सकते हैं, या नहीं सीखे हैं तो इसे छोड़ सकते हैं। डिक्लेरेशन में आप अगर अपने अंक को डोनेट करना चाहते हैं
तो टिक कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। लास्ट सेकंड डिक्लेरेशन है कि आप बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ द पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर ट्रू, मींस उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके बाद ये आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, पासवर्ड जनरेट होगा, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही रहेगा जो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ टाइप करना होगा जो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ आपको इस साइट पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा। एप्लीकेशन नंबर लिखकर यहाँ डेट ऑफ बर्थ टाइप करना होगा। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद जैसा कि मैंने डेट ऑफ बर्थ है तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। June 8, 1968। इसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नेक्स्ट पेज आता है जिसमें आपको और भी दूसरी चीज़ों की जानकारी देनी होती है। यहाँ एक फॉर्म वन होता है, फॉर्म वन डिक्लेरेशन आप गूगल पे जाकर टाइप करके उसे सेव कर सकते हैं और इसका एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसमें आपको अपना एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ इसमें अपलोड करना होगा। यहाँ देख सकते हैं जैसा कि ये आया पेज अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ में आपका जो है प्रूफ आधार कार्ड, पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, लाइसेंस सूट, फोटोग्राफ, वोटर आईडी, एलआईसी पॉलिसी स्टेटमेंट, ये सब आप एड्रेस प्रूफ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस प्रूफ में आप एसएलसी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, एफिडेविट और एलआईसी पॉलिसी स्टेटमेंट, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म वन सेल्फ डिक्लेरेशन ये आप गूगल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है मेडिकल फिटनेस की, ये फॉर्म को आपको साथ में रखना है और इसे अपलोड कर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करने के बाद ये नेक्स्ट पेज आता है मेरा एप्लीकेशन स्टेटस। इस एप्लीकेशन स्टेटस मैं देख सकता हूँ मेरा फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये सारा अपलोड हो चुका है। यहाँ पे मैंने फिल एप्लीकेशन डिटेल्स कंप्लीटेड कर लिया, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड कर, प्लेस फोटोग्राफ सिग्नेचर कंप्लीटेड कर लिया। अब फी पेमेंट की बारी आती है। फ़ी पेमेंट के लिए लोग फ़ी पेमेंट ऑप्शन को क्लिक करते हैं और उसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ फ़ी पेमेंट मेरा पेंडिंग बता रहा है दोस्त। फ़ी पेमेंट को क्लिक करके आगे प्रोसीड पे जाएंगे और इसे ऑनलाइन ही आप इसके फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन स्टेटस में आप सारे अपने डिटेल्स को फिर से मैच कर सकते हैं। अगर डिटेल्स में कुछ गलती है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। होम पेज में जाकर एडिट ऑप्शन में जाकर एडिट फॉर एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग लाइसेंस कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट क्लिक करके प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद मुझे ये एप्लीकेशन फ़ी फॉर LL और DL टेस्ट का ये पेज आता है। इसमें आपका ये फीस 420 रुपीज़ आपको पेड करना है लर्निंग लाइसेंस के लिए। इस 420 रुपीज़ में आपको क्या क्या, लर्निंग लाइसेंस के लिए 150 रुपीज़ देना है, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए 70 रुपीज़ देना होगा और इसके बाद है ये रोड सेफ्टी फ़ी जिसमें आपको 50 रुपीज़ देना होगा और इसका सरचार्ज है 150 रुपीज़। ऐसा कि हम देख सकते हैं ग्रैंड टोटल 420 रुपीज़ हम लोगों को पे करना है लर्निंग लाइसेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम पेमेंट ऑप्शन पे जाते हैं, बैंक गेटवे ट्रेजरी सेलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन गवर्नमेंट
अकाउंट सिस्टम, ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम, और इस कैप्सा को यहाँ पे इंटर करते हैं। कैप्सा को सही से इंटर करने के बाद हम लोग पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एक पेज आता है यहाँ पे। इस पेज में देखते हैं, साथ ही टोकन नंबर दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन डेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। इसे आप आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके फिर इसे प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन के लिए फॉरवर्ड करना है, जिससे कि आपका पेमेंट हो सके। ये पेमेंट आप ज़्यादातर ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं, ऑनलाइन कैश के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन को आप देख सकते हैं। ये प्रोसेसिंग कर रहा है जब तक कि मैं यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस, रोड सेफ्टी रूल्स वगैरह हम लोग देखते हैं। ये हम लोग वार्निंग साइंस है दोस्तों, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लर्निंग लाइसेंस के लिए। ये सब पूछते हैं वहाँ पे, सेफ ड्राइविंग के लिए ये क्या है, साइंस वगैरह ये आपको याद रखने होंगे। स्पीड लिमिट, मेकिंग वे, इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ाइन है, क्या पेनल्टी है उसके लिए, रूल्स क्या होता है सेफ ड्राइविंग के लिए, ये सब दोस्तों आपको हमेशा अवेयर रहना होगा ये सब चीज़ों के लिए। जब लर्निंग लाइसेंस की टेस्ट होती है तो ये सब पूछी जाती है। ये सब हॉर्न प्रोहिबिटेड, स्टॉप साइन कैसा होता है, गिव वे, ये सारे ऑप्शन को आप लोग एक रिवाइज करके आगे लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जा सकते हैं। ये दोस्तों प्रोसेसिंग होने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे मेक पेमेंट ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम के आया है। यहाँ पे पेमेंट है व्हीकल टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, पीरियड ईयर, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। मैंने ऐसे देख रहा है ये मेरा ही है, मेरा ही पेमेंट पेंडिंग है, इसे पेमेंट अप्लाई करना है। इसमें जैसा मैंने देखा दोस्तों, इसमें मैंने पीरियड ईयर 2018 टू 19 पीरियड मैंने सेलेक्ट किया वन टाइम, दिस इज द वन टाइम। वन टाइम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसे फॉरवर्ड करने के बाद आपको मेक पेमेंट ऑप्शन पे जाना है। पेमेंट मोड है ई पेमेंट और पेमेंट ओवर द बैंक अकाउंट और कैश और चेक से भी आप कर सकते हैं, उसे अप्लाई करके आप उसे पेमेंट आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं।